वो मेरा ही पहला कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत में संतूर का वो पहला क्लासिकल कॉन्सर्ट था, इस वजह से याद है। और ईश्वर की कृपा से मैं चूंकि चाइल्ड प्रोडिजी था, जैसे बताया जाता है, तो वो हार्डली उस वक्त में लगभग 5 साल का था जब वो प्रोग्राम मेरा, बहुत ज़्यादा देर का तो था नहीं, 5-6 मिनट का ही था, कश्मीर के एक, उस वक्त एक ही ऑडिटोरियम था वहाँ, तब तक जो एक और बड़ा वाला ऑडिटोरियम है टैगोर हॉल वो बना नहीं था, तो ये नीडोज होटल एक जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह, बड़ी खूबसूरत जगह, वहाँ का ऑडिटोरियम था। और मेरे फादर का जो एक इंस्टीट्यूट था, संगीत महाविद्यालय, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के कल्चरल हिस्ट्री में, तो वो उनका फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल में मुझे प्रेजेंट किया गया था, 1953 ईयर था। और उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर तो थे ही थे, पंडित समसार चंद सोपुरी साहब, और सबकी दुआएं थी, तो मैं बजाया, एक नई वेव क्रिएट हो गई कि अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक संतूर पर। तो इमीडिएटली रेडियो कश्मीर श्रीनगर एक वाहिद इदारा था उस वक्त, मीडिया तो वैसे ही, रेडियो तो उस वक्त तो बहुत ही पॉपुलर था, तो उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया 1954 में। उसके बाद फिर स्टेट ने प्रमोट करना शुरू कर दिया, जब भी उनके फंक्शंस होते थे, जो भी आते थे, VIPs आते थे, तो बख्शी साहब की हुकूमत थी, तो कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर उन्होंने दिया, और जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें मैं बजाता था फिर, या जैसे क्लासिकल म्यूजिशंस आते थे, अमीर खान साहब आए थे, उस्ताद अमीर खान साहब थे, उस्ताद बड़ी गुलाम अली खान साहब थे, और इसी तरह से बहुत सारे जो लेजेंडरीज रहे हैं हकीकतन, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया से अपना नाम नहीं कमाया, गुनों से नाम कमाया, डोल पीटने से नहीं, तालीम से, कसब से, रियाजत से, साधना से, और देन जो उनकी देन है, तो वो वही लोग थे। उनके रिसाइटल के से पहले मेरा प्रोग्राम रखा जाता था। मुझे याद है कि उस्ताद अमीनुद्दीन खान, नसीर अमीनुद्दीन खान डागर साहब जो पहले वहाँ आए थे, उनका रिसाइटल था, तो मेरा भी प्रोग्राम रखा गया था। फिर मैं थोड़ा थोड़ा, वो अब वो 5 मिनट तक महदूद नहीं था, बल्कि वो टाइम गैप बढ़ गया था,